ओम शांति। 29 सितंबर की शुरुआत में सबका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं कि परिस्थितियों को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भवा। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष दो शिक्षाओं के अनुभवी बनाती हैं, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? सॉरी, ट्रस्टी माना सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। तो परमात्मा कहते हैं कि परिस्थितियों से आप घबराते क्यों हो? तो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, हमें वाइज बनाने के लिए आती हैं, हमारे अंदर विवेक जागृत करने के लिए आती हैं। क्योंकि जब तक तो परिस्थिति नहीं आती है तब तक हम सोचते नहीं हैं, हम आलस से अलबेलेपन में रहते हैं। तो परिस्थिति आना बहुत ज़रूरी है संगम युग पर। तो हमें क्या क्या शिक्षा देती है? सहन करने की शक्ति देती है हमें, है ना। हम चाहते हैं कि ये काम अभी हो जाए या ये व्यक्ति अभी जाकर ये काम करे, लेकिन वो नहीं करते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं या हमारी अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं, तो हमें उस समय सहन करने की शक्ति बहुत होनी चाहिए। और दूसरा सामना करने की शक्ति, कि हमने कुछ गलत किया हो और उसके बाद में हमें वो फेस करना पड़े, कोई भी एक्टिविटी को या कोई भी हमारे कर्तव्य कर्म को, तो हाँ सामना करने की शक्ति हो हमारे अंदर, हमारे अंदर नम्रता हो, हमारे अंदर निरंकारिता हो, ये भी हमारे अंदर जागृत होती है। तो बापा कहते हैं इन दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। तो एक्सपीरियंस जब हो जाएगा उसके बाद फिर वो फिर से परिस्थिति आए तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि हम ट्रस्टी जब हैं, हर चीज़ के, अपने शरीर के भी ट्रस्टी हैं, वस्तुओं के भी ट्रस्टी हैं, प्रॉपर्टी के भी, धन संपत्ति के भी ट्रस्टी हैं, क्योंकि वो हमारा नहीं है, तो फिर मेरा जब कुछ भी नहीं है तो फिर परिस्थिति से घबराना क्यों? परमात्मा कहते हैं क्यों घबराते हो? ट्रस्टी माना सब कुछ किसका है? बाप का। बाप के हवाले कर दो, घर बार संपत्ति धन सब कुछ, बच्चे बच्चे, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, वो सब किसके हैं? मेरा तो कुछ भी नहीं ना, सब परमात्मा के हैं। इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। ओम शांति।